अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अक्सर आपको ऐसा प्रॉब्लम आता है कि आप अपना जो लॉन्ग डेटा है, मतलब बड़ा डेटा या बड़ी फाइल शेयर नहीं कर पाते हैं कोई ऐसे प्लेटफॉर्म से जहां से, जैसे अक्सर ईमेल पे आपकी बड़ा डेटा आपका शेयर नहीं होता। ईमेल पे आप कुछ मतलब रिस्ट्रिक्शन होती है एमबीस की कि भाई 10 MB से ज़्यादा की आप फाइल नहीं शेयर कर सकते हैं, या आप 10 MB से ज़्यादा की फ़ाइल सेंड नहीं कर सकते हैं ईमेल पे, या आप कोई सॉफ्टवेयर नहीं शेयर कर सकते हैं किसी के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बताएंगे कि आप चाहे GB में भी फाइल हो, वो आप बिल्कुल इजीली एक साइट के थ्रू शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सो दोस्तों, आपने एक साइट का नाम आई थिंक सुना हो या ना हो, अगर नहीं सुना तो वो साइट का नाम है वी ट्रांसफ़र के नाम से एक साइट आती है। हम यहाँ पे सर्च करते हैं वी ट्रांसफ़र के नाम से ये जो साइट है, इस पर बेसिकली वी ट्रांसफ़र इज़ एन इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटर फाइल ट्रांसफ़र सर्विस बेस्ड इन द नेदरलैंड्स। मतलब ये बेसिकली एक फाइल ट्रांसफ़र बेस्ड सॉफ्टवेयर है या वेबसाइट समझ लें, जहाँ पे आप बड़ी सी बड़ी फाइल शेयर कर सकते हैं किसी भी दूसरे पर्सन को। मैंने इसको ओपन किया। अब जैसे आप यहाँ पे कोई भी फोल्डर या फाइल शेयर करना चाहते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट अ फोल्डर कर लें या ऐड योर फाइल कर लें। हम कोई फोल्डर सेलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट अ फोल्डर सेलेक्ट करने से हमें ये होगा कि हमें पता चल जाएगा कि आया हम कोई अगर सॉफ्टवेयर यहाँ पे शेयर कर रहे हैं तो हमारा वो सॉफ्टवेयर मिल भी रहा है या नहीं। तो इसमें हम आते हैं, अब इसमें हम कोई भी XYZ उठा लेते हैं, जैसे IDM क्रैक मैं यहाँ पे उठाता हूँ एक फोल्डर फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने, या एडोब उठा लेता हूँ, कुछ भी XYZ आप उठाना चाहे, क्यूब PDF राइटर उठाता हूँ मैं, अपलोड करता हूँ यहाँ पे, अपलोड करेंगे। अब यहाँ पे ये फाइल देखें, 2 files एडिट, ठीक है। इसके बाद ये कह रहा है 2 GB रिमेनिंग, ये फाइल हमारी यहाँ पे ऐड हो गई, आइटम्स 2 items आ गए। अब यहाँ पे अच्छा कुछ अगर GB में ज़्यादा होगी, जैसे 1 GB या 2 GB की कुछ भी आपकी फ़ाइल होगी तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा, तो उसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है, जस्ट आपने थोड़ा सा इसको टाइम देना है। इसके बाद यहाँ पे आप अपना ईमेल प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि आप किसको भेजना चाह रहे हैं, किसी का भी जीमेल एड्रेस, जैसे कि मैं अपनी ID पे आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे अपनी ID मेंशन करके बताता हूँ कि किस तरह ये वहाँ पे एक लिंक भेजेगा और वहाँ लिंक से आप इसको डाउनलोड कर लें। यहाँ पे कोई भी आप ID प्रोवाइड कर दें, इसके बाद ये प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पे आप लिखते हैं भाई फोल्डर है सॉफ्टवेयर लिखते हैं मैसेज में, कुछ भी आप यहाँ पे टाइप करते हैं। ये टाइप करने के बाद ट्रांसफ़र करें, वेरीफाई योर ईमेल, जस्ट वन क्लिक चेक टू दी मैक श्योर यू रियली वी हैव सेंड वेरिफिकेशन कोड टू यू रिमेंबर। अच्छा, अब यहाँ पे आप जो भी ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करेंगे वो राइट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप गलत ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करेंगे तो ये आपको प्रॉब्लम दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपनी सही इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है, जैसे कि यहाँ पे मैं अपनी एक दूसरी ID है वो प्रोवाइड करता हूँ, जस्ट आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, क्योंकि ये कभी कभार मानता है कि भाई आप कन्फर्म करें या आप अपना वेरिफिकेशन लिंक जाके यहाँ पे इंटर करें। तो यहाँ पे आप इंटर करेंगे अपनी कोई भी ID, यहाँ पे देखे अपनी ID में देखकर इंटर करके यहाँ पे आप वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करके आपका ये जो सेंडिंग है वो सेंड हो जाएगा। अब इसके बाद आपने ये करना है कि जो भी ID आपने प्रोवाइड की थी, आपने उस ID में आना है, उस ID में आपको वी ट्रांसफ़र की तरफ से एक लिंक आ जाएगा, ईमेल आ जाएगी, उस ईमेल पे आप क्लिक करेंगे। उस ईमेल पे क्लिक करने के बाद उसमें एक लिंक होगा, उस लिंक में आपको जो फाइल आप अपलोड करेंगे उस इस वेबसाइट पे अपलोड की है आपने, जैसे कि हमने की थी यहाँ पे ये वाली फ़ाइल, तो उसका जो लिंक होगा उस इस फोल्डर का लिंक आ जाएगा उस लिंक में जो आपको ईमेल मिलेगा। आपने जैसे उस पर क्लिक करना है और वो आपका जो मतलब जो आपने शेयर आप करना चाह रहे हैं तो वो आपका
डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरह आप इजीली अपना GB में भी डेटा किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं बहुत ही इजीली वे में। सो दोस्तों, एक आज की वीडियो बहुत ही मतलब एक अलग आपको वे मिल गया कुछ अच्छा सीखने का। तो आज के लिए इतना ही था, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।